प्रदीप गुप्ता जी, आपने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, इतना बड़ा आपका सैंपल साइज था, एग्जिट पोल आपका सटीक बैठा जिस पर कल तक सब लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मोदी, क्योंकि आप जब शासन प्लस प्रशासन कहते हैं, राशन प्लस प्रशासन, तो राशन तो मोदी सरकार की योजना थी, मोदी का कितना असर इस जीत में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और बाकी तीन राज्यों? मोदी का जो असर है, मैं कहूंगा अंजना जी, सर्वोपरि है इन सारे मुद्दों में और सारे व्यक्ति विशेष में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछले 7-8 सालों में, देखिए आप जिस भी कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे आप जिस कुर्सी पे बैठ के एंकरिंग कर रही हैं, तो आपसे एक उम्मीद है, राइट? और जब तक उस उम्मीद पे आप खरा ना उतरे, आप बैठे क्यों हैं कुर्सी पे? वो बोलते हैं ना, वार्मिंग द चेयर, कहीं चेयर गर्म करने तो नहीं बैठे कहीं कुर्सी पे ऊपर आप? तो वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी, तो जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी इन दो विषयों को फोर फ्रंट पे रखा, उसका मतलब ये, जब उन्होंने पहली बार आए तो कहा मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, उसका मतलब आपकी जो मुझसे उम्मीद आशाएं आकांक्षाएं हैं, मैं उस पर कितना खरा उतरा या नहीं उतरा उसका जवाब दूंगा। तो उसके चलते आप देखेंगे कि सभी, जब भी सरकार रिपीट होती है, ये मान लीजिए आप, केवल एक वजह होती है, डिलीवरी डिलीवरी और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब प्रशासन भी जो है उस डिलीवरी का ही एक अंश है, और बाकी जो तमाम डिलीवरी है वो अपनी जगह है। तो मोदी जो फैक्टर है वो सर्वोपरि था सारे मुद्दों के चलते। मुद्दे भी थे, जरूर थे, लेकिन आम आदमी बटन दबाने के पहले ये देखता है, यदि मैं ए बटन दबाऊंगा तो ये महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबको प्रभावित करता है, ए बटन दबाने से क्या वो ठीक होगा या बी बटन दबाने से क्या वो ठीक होगा? क्योंकि जो सामने विकल्प है आज उसके सामने, उन सभी चारों पार्टियों की सरकार पास्ट में रह चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हम निकाल के लाए। प्रदीप जी, अपने दर्शकों को जरा दिखा दे, जीत का अंतर 2017 में जहां सिर्फ 500, महज 500 के अंदर का ही था वोटों का, वो 4 सीटें थी, इस बार 11 सीटें ऐसी है। 500 से 1000 का डिफरेंस 4-4 ही है, 1000 से 2000 का वोटों का अंतर 9 और 11 है, ये पिछले और इस बार में देख रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पिछली बार 30,000 से ज्यादा जो सीट का वोट का अंतर था, उसकी बहुत ज्यादा सीटें थी, 95, वो अब कम हुई है। तो नीचे वाला जो हैवी हिस्सा है वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे, तो फाइट तो जबरदस्त इस बार बीजेपी को हराना मुश्किल हुआ था, क्योंकि वो 30,000 से ज्यादा का मार्जिन था और आप 50,000, हाँ पिछले वही करो, तो वो पिछला मार्जिन को किस तरह से आप करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे? बिल्कुल, आप पंकज जी के पास आते हैं। देखिए अंजना जी, एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, प्रदीप जी ने जो कहा वो, जो डिलीवरी की बात की, उसमें एक कंसिस्टेंसी भी है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। आज देखिए कि कल चुनाव खत्म हुए हैं, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और आज से वो गुजरात के 2 दिन के दौरे पर चले गए। आम आदमी पार्टी भी उसी दिन देश कैसे आम आदमी पार्टी मोड में रह सकता है? आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी की जीत भी ऐसे हुई है ना कि 2014 से उन्होंने पंजाब को नहीं, 2017 से पंजाब को नहीं छोड़ा, वो 5 साल लगातार रहे, उसका नतीजा 2022 में है।